आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रदेश में सुरक्षा के बड़े बड़े दावे फेल होते जा रहे हैं। आम जन ही नहीं बल्कि सत्ता में रह चुके लोग भी अब सुरक्षित नहीं है, तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? ऐसा ही कुछ बदायूं जिले में देखने को मिला है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तेहरे हत्याकांड से प्रदेश में सनसनी, सत्तासीन लोग भी नहीं महफूज, बदमाश मस्त, पुलिस पस्त, हत्या या फिर पुरानी रंजिश। इस तेहरे हत्याकांड से पूरे प्रदेश में राजनीति से लेकर आम जन तक हलचल मची हुई है। यह हत्या किसी आम जन की नहीं बल्कि सत्ता में रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख की है। सिर्फ ब्लॉक प्रमुख ही नहीं, उनकी पत्नी और मां को भी हत्यारों ने मौत की नींद सुला दिया। इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों ने इतनी सफाई से हत्या की कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। तीनों लोगों की हत्या अलग अलग कमरों में की गई और जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में आसपास के लोगों को पता चला तो राकेश गुप्ता के घर पर भीड़ लगना शुरू हो गई। वहीं पर लोगों में दहशत को देखते हुए तीन थानों की पुलिस को इलाके में तैनात किया गया है। पुलिस की इस कदर तैनाती को देखते हुए लग रहा है कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मामला उस हैद थाना क्षेत्र के 17 गांव का है। यहीं पर उसवा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख और मौजूदा सपा से जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता और उनकी पत्नी शारदा के साथ मां शांति देवी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मां रसोई में खाना बना रही थी और उनकी पत्नी दूसरे कमरे में बैठकर अपने कुछ काम कर रही थी। वहीं पर घर के बाहर कमरे में पूर्व ब्लॉक प्रमुख खुद बैठे थे, तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने आकर घर में जबरन घुसते हुए उन पर हमला कर दिया। जब तक पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता कुछ समझ पाते, उससे पहले ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और गोलियों की आवाज सुनकर मां और पत्नी ब्लॉक प्रमुख के कमरे की तरफ दौड़ी। पत्नी और मां ने राकेश को गोली लगी देखी तो उल्टे पांव ही किचन और कमरे की तरफ भागने लगी, लेकिन हमलावरों ने उनको भी बिना हिचक गोलियों से भून दिया। इस घटना में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई और हमलावर मौके से फरार हो गए। जनपद बदायूं के थाना उसैत अंतर्गत 17 गांव में आज सायंकालीन सूचना मिली कि एक मकान में उसके निवासी राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी और उनकी मदर, तीनों लोग अलग अलग कमरों में इनकी डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और हम लोग पहुँच करके देखा तो ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इनके परिजनों से वार्ता की गई है, परिजनों का की चतुरता स्थानीय एक दूषित परिवार से है। इस संदर्भ में परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है, थाने पे जा रहे हैं, वो तहरीर देंगे और इसमें जिन लोगों ने भी यह कृत्य किया है कठोर से कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। वहीं हत्याकांड में पुलिस की तरफ से बहुत ही तेजी से कार्रवाई की गई और खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं चार आरोपी मौके से फरार हैं, जिनको पुलिस तलाश रही है। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई राइफल, रिवॉल्वर और एक 312 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मृतक ब्लॉक प्रमुख के भाई राजेश गुप्ता की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। FIR में रविंद्र दीक्षित और उसके बेटे सार्थक दीक्षित को मुख्य आरोपी बताया गया है। इस हत्या के पीछे का कारण पुरानी रंजिश होना बताया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी। अब तक के लिए इतना ही। अपराध से जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।